हेलो साथियों आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन पे आज फिर से क्लास लेकर आए हैं मैथ का ठीक है मैथ का बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन सब है जो कि आप लोग देखते ही बना दीजिएगा लेकिन मेरा कहना है कुछ टाइप्स जो है ना टाइप्स प्रैक्टिस कर लीजिए जहां से आप क्वेश्चन इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप बेशक और बेहिचक जल्दी से ना बना दीजिएगा ठीक है जल्दी बात नहीं करेंगे और फिर शुरू करते हैं हम लोग ठीक है ये सर क्षमता परीक्षा के लिए टॉप ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है और ट्वेंटी फाइव जो है पूरे टाइप ही है ठीक है जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका बहुत आसान क्वेश्चन है जो भाई मैथ जानते होंगे उनके लिए तो चुटकी का खेल है सेकेंडों में आंसर निकाल देंगे लेकिन जिनका मैथ से थोड़ा सा नहीं अच्छा संबंध नहीं रहा है तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा तो एक बार देख लीजिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा ठीक है तो देखिए 240 का पाँच बटा छ निकालना है ठीक है तो 240 है और का का मतलब होता है गुना और पाँच बट्टा छ तो इसे कार दीजिएगा तो चौका चौबीस चालीस बार में कर जाएगा तो चार पचे दो सौ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दो सौ निकल जाएगा ठीक है तीन सौ पचास भगे सात बट्ट पांच है तीन सौ पचास में सात बट्टा पांच से क्या करना है भाग करना है तो इसको क्या कीजिएगा तीन सौ पचास इसको गुना में कर दीजिए पाँच ऊपर कर दीजिएगा और सात कहाँ कीजिएगा नीचे कर दीजिएगा तो सात पचे पैंतीस पचास बार में पचास पच्चीस कितना हो जाएगा अढ़ाई सौ इसका आंसर हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार से हम सारा क्वेश्चन बना लेंगे जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देखिए छः बटा सात और चार बट्टा पाँच में कौन बड़ा है ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है देखिए तो छः बटा सात और चार बट्टा पाँच में बड़ा कौन है तो एक तरीका यह है कि आपको तुलना कर दीजिए तो छः बटा सात है और इसमें भी पाँच से गुना कर दीजिए इसमें क्या गुना कीजिएगा पाँच से ठीक है पाँच से गुना जैसे कि इसके से इधर कर दीजिए इसको इधर कर दीजिए तो इसमें क्या है पाँच है तो क्या कीजिएगा पाँच से ऊपर गुना कर दीजिए और पाँच से नीचे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा छः पचे तीस और सात पचे कितना हो जाएगा पैंतीस तो छः बटा सात का तीस बट्टा पैंतीस हो गया उसी प्रकार चार ब्टा पाँच है तो इसको हम लोग क्या करेंगे तुलना करेंगे तो इधर कर देंगे सात से और इधर कर देंगे सात से क्योंकि इसमें सात से गुना करना है तो ये हो जाएगा सात चौका अट्ठाइस और बट्टा सात पच्चे पैंतीस तो इसका भी हर पैंतीस और इसका भी हर पैंतीस है और इसका अंश तीस है और इसका क्या है अट्ठाइस है तो इसमें कहता है कि कौन बड़ा है ठीक है तो बड़ा जो कौन होगा आप समझ सकते हैं जो बड़ा अंक होगा क्या होगा वो बड़ा होगा जो छोटा अंक होगा वो छोटा होगा ठीक है तो अब हम लोग देखते हैं इसका भाग विधि से जैसे छः बटा सात है तो एक और मेथड हमारे पास है सात से हम भाग कर देंगे तो यहाँ जीरो दे देंगे और दशमलव दे के यहाँ जीरो देंगे ठीक है तो सात अट्ठे कितना हो जाएगा छप्पन ठीक है तो फाइव यहाँ चल जाएगा चार ठीक है फिर हम अगर जीरो देते हैं तो सात पच्चीस क्या हो जाएगा पैंतीस तो जीरो पॉइंट एट फाइव आ गया अब हम चार बटा पाँच को भाग देकर देखते हैं चार बटा पाँच में तो यहाँ पाँच से भाग करेंगे चार में तो जीरो देंगे दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा पाँच अठे चालीस ठीक है पाँच अठे चालीस तो कितना हो जाएगा कट जाएगा ये ठीक है तो जीरो पॉइंट एट हो गया एट का मतलब क्या हो गया जीरो पॉइंट एट का मतलब हो गया अस्सी पैसा और छः बट्टा सात का मतलब क्या हो गया ये आपका ज़ीरो पॉइंट एट फाइव तो बड़ा कौन हो जाएगा छ बटा सात बड़ा होगा ठीक है और छोट कौन होगा ये आपको अस्सी पैसा वाला छोट हो जाएगा तो यहाँ पर भी देखिए इस मेथड में भी जिसका अंश बड़ा होगा ना हर बराबर कर लिए जिसका अंश बड़ा है वही बड़ा हो जाएगा जिसका अंश छोटा है वो छोटा हो जाएगा तो इसमें बड़ा कौन होगा ये वाला बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसका अंश क्या है तीस है इसका हर कितना है अट्ठा ए... पैंतीस है इसका भी अंश अट्ठाइस है इसका हर कितना है पैंतीस है तो जो छोटा रहेगा ना वो छोटा और जो बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा ठीक है तो इसी प्रकार से इसका भिन्न भी छोटा हो जाएगा और इसका भिन्न भी क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा चलिए तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए मिठू ने यह है चार पूर्णांक एक बटा दो है एक से नहीं है किलोग्राम आम देखिए किलोग्राम आम ठीक है और दो पूर्णांक दो पूर्णांक तीन बट्टा चार के जो है लीची खरीदें ठीक है तो मिट्टू द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना है समझिए यानी इतना केजी आम लिया इतना केजी क्या लिया लीची लिया जब लीची लिया तो दोनों को मिला देंगे तो हमारा निकल जाएगा तो क्या करेंगे चार दूना आठ है एक नौ बटा दो तो नौ बटा दो के हो गया आम और चार दूना आठ है तीन ग्यारह देखिए ऐसे करते हैं चार दूना आठ और तीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ग्यारह तो ग्यारह बटा क्या हो जाएगा चार अब इसका हम लोग लघुत्तम ले लेंगे ठीक है क्या इसका शॉर्ट तरीका बता देते हैं रुकिए शॉर्ट है। तरीका क्या होगा देखिए इ चार और ई दो को जोड़ दीजिए ठीक है तो ये हो जाएगा छ प्लस आ एक बट्टा दो कर दीजिए इधर और ये तीन बट्टा चार इधर कर दीजिए ठीक है तो यहाँ इसका इसका, इसका एल्सियम लीजिएगा तो चार होगा दो दूना चार तो यहाँ क्या हो जाएगा दो हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा एक बार में लगेगा तो यहाँ तीन हो जाएगा तो ये हो जाएगा छः प्लस छ प्लस तीन या दो पाँच बटा चार पाँच बटा क्या हो जाएगा चार हो जाएगा और पाँच बटा चार में जब हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा छ प्लस एक प्लस एक बट्टा चार हो जाएगा तो छः एक कितना हो जाएगा सात तो सात पूर्णांक एक बटा चार, तो तो चार के जी टोटल हो जाएगा ठीक है ये बराबर हो जाएगा और आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको चार दूना आठ एक नौ बटा दू कर दीजिए ठीक है चार दूना दू। आठ एक नौ बटा दो और चार दूना आठ है तीन ग्यारह बटा चार तो ग्यारह बटा चार करेंगे तो इसका एन सी एम लेंगे तो चार दो दूना चार तो नौ दूना अठारह चार एकम चार ग्यारह हो जाएगा तो ग्यारह आठ तो कितना हो जाएगा नौ और एक उन दो उन्तीस बटा चार और जब इसी को भाग कीजिएगा तो सात सौ अट्ठाईस चार इधर और एक उन्तीस बटा सातों का अट्ठाईस एक उन्तीस बटा चार हो जाएगा सात पूर्णांक एक बटा चार हो गया और इस मेथड से भी हमको सात पूर्णांक एक बटा चार आ रहा है ठीक है चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए शुभम के पास तीस रुपया है। कितना है तीस रुपया सकीला के पास शुभम के रुपयों का एक बटा पाँच है तो सकीला के पास कितने रुपये है तो देखिए सकीला के रुपया निकालना है तो सकीला के पास जो रुपया है किसका है शुभम के पास जो रुपया उसका एक बट्टा पाँच है तो यानी तीस का एक बट्टा पांच तो काम मतलब होता है गुना एक बटा पाँच। तो एक लीटर पेट्रोल में पैंतीस किलोमीटर दूरी तय करता है तो तीन पूर्णांक चार बट्टा पांच लीटर में पेट्रोल में यह स्कूटर कुल कितनी दूरी तय करेगा ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग देखिए इसमें गुना कर देंगे तो पाँच तिहाई पंद्रह चार उन्नीस उन्नीस बटा क्या हो जाएगा पाँच और पैंतीस से क्या करेंगे गुना कर देंगे तो गुना करेंगे तो पाँच सत्य पैंतीस और उन्नीस सत्या कितना हो जाएगा बताइए उन्नीस पच्चीस पंचानवे उन्नीस छः चौदह से और उन्नीस सत तैंतीस से यानी एक सौ तैंतीस ठीक है अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं सेवन देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़ों में बड़ी संख्या आप लिखिए देखिए तो यहाँ देखिए पाँच दशमलव छः सात है और पाँच दशमलव सात जीरो हो जाएगा कुछ नहीं है तो क्या हो जीरो हो जाएगा तो पाँच रुपया सड़सठ पैसा पाँच रुपया सत्तर पैसा तो बड़ा कौन होगा तो बड़ा ई वाला हो जाएगा ठीक है पाँच रुपया सत्तर पैसा वाला बड़ा होगा उसी प्रकार से क्या करना है ये दोनों क्वेश्चन बना के आप कमेंट कीजिएगा बी और सी को कि इसमें कौन सा आंसर होगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जोड़ना तो है तो जोड़ना है तो दशमलव का जोड़ हमको आना चाहिए तो देखिए एक पॉइंट कितना है दो तीन है और जीरो पॉइंट वन टू है तो क्या करेंगे दशमलव के सामने दशमलव वाला अंक इधर दो कर देंगे तो क्या होगा तीन या दो पाँच दो तीन आई हो जाएगा जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा और दशमलव के बाद दो अंक था तो दशमलव दे, दे देंगे यानी एक दशमलव कितना हो जाएगा वन थ्री फाइव वो एक दशमलव थ्री फाइव हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार इसको आप संख्या को जोड़ना है और बताइए कितना आंसर होगा देखिए थोड़ा हम बता देते हैं देखिए ऐसे लिख लेंगे जीरो नौ नौ और एक पॉइंट जीरो टू है तो एक यहाँ लिखेंगे पॉइंट जीरो और टू लिखेंगे ठीक है आ इसको जोड़ेंगे तो यहाँ जीरो लिख देते हैं नौ नौ दो ग्यारह के एक हासिल एक तो यहाँ हो जाएगा एक आई दशमलव और दो आ एक तीन यानी इतना हो जाएगा हमको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए गुणनफल ज्ञात कीजिए देखिए आपको मॉक टेस्ट अगर दिए होंगे बी एस सी जो साइट पे जो मॉक टेस्ट है तो उसमें भी गुणनफल दिया हुआ था ठीक है तो आप गुना करने का थोड़ा तरीका बता देते हैं देखिए पंद्रह दशमलव दो है ठीक है और कितना से गुना करना है आपको जीरो पॉइंट जीरो टू से ठीक है तो क्या कीजिएगा पहले एक सौ एक सौ बावन मान लीजिए इसको आई दू गुना कर दीजिए ठीक है ये से गुना कर दिए तो एक में दो से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक है तीन हो जाएगा एक सौ बावन दूना, तीन सौ चार अब देखिए दशमलव के पहले एक अंक है ना? दशमलव के पहले तीन अंक तो तीन अंक कितना होगा चार अंक तो यहाँ कितना हो जाएगा एक दो तीन और देते हैं दशमलव ठीक है और क्या करते हैं जीरो दशमलव कितना जीरो तीन जीरो चार हो जाएगा ठीक है तीन अंक आ एक चार अंक तो एक दो तीन चार अंक के बाद दशमलव पड़ गया अब अगर आपको चेक करना होगा ठीक है तो देखिए पंद्रह दशमलव कितना है दो है ठीक है और इसमें गुना करना है आपको जीरो दो से दशमलव है इधर ठीक है तो देखिए ऐसे भी गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा दशमलव के भूल जाइए कि दशमलव भी कोई चीज़ है तो क्या हो जाएगा दो दूना चार पाँच दूना दस के सुन्ना और दो आए कितना हो जाएगा तीन जीरो से गुना करेंगे जीरो जीरो फिर ये हो जाएगा जीरो फिर इससे गुना करेंगे ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो ठीक है और यहाँ लिखेंगे चार जीरो तीन जीरो जीरो दशमलव के पहले एक अंक दशमलव के पहले तीन अंक तो कुल मिला कितना हो गया चार अंक तो चार अंक तो एक दो तीन चार अंक गिनेंगे दशमलव दे देंगे यहाँ पर भी देखिए उतना ही तो आंसर है ठीक है तो इसी प्रकार से दो चार क्वेश्चन बनाकर आप टेस्ट कर लीजिएगा ठीक है तो एक आध क्वेश्चन तो धराइए जाएगा चलिए अब भाग देना है क्या देना है भाग दो दशमलव सेवन फाइव में भाग करना है ज़ीरो पॉइंट फाइव से देखिए दशमलव के पहले दो अंक है दशमलव के पहले क्या है एक अंक है तो क्या करेंगे हम लोग जीरो बैठा देंगे तो बराबर बराबर हो गया अब इसको इसको काट दीजिए तो क्या हो गया ये दो सौ पचहत्तर हो जाएगा दो सौ पचहत्तर और ये हो जाएगा पचास देखिए ध्यान इस बात का रखना है ना कि क्वेश्चन कैसे बनता है ये चीज़ सीखना है आपको ऐसा नहीं कि वहाँ यही अंक दिया हुआ रहेगा ठीक है, है? यहाँ पर अगर हम भाग दे रहे इतना अंक से तो वहाँ कोई दूसरा अंक पूछ देगा ठीक है मैथ में यही होता है तो हम लोग को क्या करना है कि सीख लेना है कि ये क्वेश्चन ऐसे बनता है उनके लिए कह रहे हैं जिनके मैथ में कुछ ठीक ठाक नहीं है तो उस उनके लिए है बाकी जिनको आता है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो आप क्या करेंगे पच्चीस से भाग कर दीजिए देखिए पच्चीस दूना क्या होता है पचास यहाँ पच्चीस से कम पच्चीस ठीक है और जब दो इसमें चल जाएगा तो पच्चीस हो जाएगा तब पच्चीस से कम पच्चीस यानी पच्चीस से ग्यारह बार में कट गया तो ग्यारह बटा दू बच गया तो ग्यारह बटा दू, दू क्या हो जाएगा साढ़े पाँच हो जाएगा ठीक है यानी कि फाइव पॉइंट फाइव इसका आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट देखिए अब जो है नीलम तीन क्रमागत दिनों में क्रमशः पाँच घंटे छः घंटे और चार घंटे पढ़ती है तो उसके पढ़ने का औसत समय क्या है तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा औसत निकालने का तो क्या कीजिएगा सभी को जोड़ देना है और जितना रहेगा उतना से भाग कर देना है जैसे देखिए पाँच घंटे छः घंटे और चार घंटे पढ़ता है तो पाँच छः चार जोड़ देंगे और भाग कैगों कर से करेंगे देखिए एक दो तीन गो दिया हुआ है ना तो तीन से भाग करेंगे ठीक है अगर दस गो रहता था तो दस से भाग करते कर चार गो रहता था चार से भाग करते हैं पाँच गो दिया होता है पाँच से भाग करते देखिए छः चार दस और पाँच पंद्रह अब पंद्रह में तीन से भाग कीजिएगा तो तीन पचे पंद्रह तो इसका औसत क्या निकल जाएगा औसत कितना पड़ता है पाँच घंटा पड़ता है ठीक है तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एक स्कूल के दस अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है ठीक है वर्षों में आयु इस प्रकार है तो इन अध्यापकों की मध्य आयु क्या है मध्य आयु क्या है तो वह माध्य निकालना है हमको तो क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे देखिए दस गो अध्यापक है ना तो सब में दस से क्या करेंगे भाग करेंगे पहले अड़तीस है इसमें चालीस ठीक है और बत्तीस ठीक है प्लस इकतालीस प्लस अट्ठाईस ठीक है और प्लस क्या करेंगे चौवन करेंगे ठीक है प्लस क्या करेंगे पैंतीस करेंगे और प्लस छब्बीस और प्लस तेईस ठीक है और प्लस में क्या करेंगे तैंतीस करेंगे और सबको जोड़ देना है और जोड़ के क्या कर रहे हैं दस से भाग कर दस से भाग क्यों कर रहे हैं यहाँ दस अध्यापक दिया हुआ है देखिए जोड़ेंगे तो सब दस गो होगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस गो के दिया हुआ है तो आप लोग क्या करना है इसको जोड़ दीजिएगा और दस से भाग कर दीजिएगा बस आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए दम भी भी आई क्वेश्चन है एकदम हर हाल में पूछ सकता है देखिए तो बहुलक क्या हो जाएगा देखिए बहुलक ऐसा ही दिया हुआ जाएगा देखिए एक कै गो है एक एक दो गो है एक दो एक तीन बार है एक कितना बार है देखिए एक तीन बार है एक कितना बार है, कितना बार है? तीन बार ठीक है अब देखिए दो कई बार है एक दो तीन बार दो कितना है तीन बार दिया हुआ ठीक है दो कितना दिया हुआ है तीन बार ठीक है एक दो तीन चार बार दिया हुआ है ये चार बार है कितना बार दिया हुआ है देखिए दो जो है चार बार दिया हुआ चार है चार बार ठीक है खाली समझना है और यहाँ तीन कितने बार है देखिए तीन जो है एक बार तीन एक बार दिया हुआ है और चार दिया हुआ है दो बार दिया हुआ है चार क्या दिया हुआ है दो बार तो इससे बहुलक निकालने के लिए हमको यह देखना होता है कि वो सबसे ज़्यादा बार कौन है सबसे तो ज़्यादा बार कौन आया हुआ है चार आया हुआ है दो आया हुआ है चार बार तो हमको इसका बहुलक निकालने का तो बहुलक कितना हो जाएगा बहुलक दो हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा बार रहता है ना वही बहुलक कहलाता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए कबड्डी की एक टीम द्वारा क्या करना है अनेक मैचों में प्राप्त किए गए अंक यह है ठीक है तो देखिए तो सब इसमें कहता है मध्यक ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना है मध्यक ज्ञात करना है देखिए पहले कम वाला लिखेंगे फिर ज्यादा वाला लिखेंगे ठीक है कम से लिखना है घटते क्रम चाहे बढ़ते क्रम कोई में भी लिख सकते हैं लेकिन अगर हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो पहले क्या लिखेंगे देखिए सबसे कम हमारे पास है दो तो लिखेंगे इसके बाद क्या है दो पाँच चौदह आठ दस चौबीस दस सात है देखिए तो इसके बाद क्या है पाँच है तो पाँच लिखेंगे इसके बाद सात है तो सात फिर आठ नौ है क्या तो नौ नहीं है फिर दस लिखेंगे ठीक है इसके बाद दस के बाद क्या है मेरे पास चौदह है चौदह लिख लिए चौदह के बाद क्या है पंद्रह है पंद्रह के, के बाद क्या है पंद्रह के बाद सत्रह है और सत्रह के बाद क्या है अठारह है अठारह अट्ठारह के बाद क्या हमारे पास बच रहा है अठारह 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 के बाद बच रहा है सताइस है अठारह के बाद अठारह के बाद चौबीस है पहले चौबीस है तो चौबीस सताईस सताईस इसके बाद अट्ठाइस हो जाएगा इसके बाद क्या है अड़तालीस है लगभग लगता है कि हो गया देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह गो है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह का हुआ है तो और कोई छूट रहा है ठीक है दो दो हो गया दो काट दीजिए इसको पाँच हो गया तो पाँच कट गया सात हुआ सात कट गया ठीक है आठ कट गया दस दस कट गया ठीक है चौदह चौदह क्या नहीं है चौदह कट गया पंद्रह है तो पंद्रह भी कट गया ठीक है सत्रह सत्रह कहाँ पर है यहाँ पर है payment, तो कट तो गया ठीक है और सात सात दो बार था कट दिए ठीक है सॉरी सॉरी यहाँ नहीं कटेगा ठीक है सात कट गया इसके बाद सात कट गया इसके बाद क्या है सतरह है तो सतरह कट गया इसके बाद क्या है अठारह है अठारह कहाँ पे है जी देखिए अठारह यहाँ पर है ठीक है चौबीस है तो चौबीस कट गया ठीक है सत्ताईस है तो सत्ताईस कट गया ठीक है इसके बाद क्या है अट्ठाईस है तो अट्ठाईस किधर है अट्ठाईस अट्ठाईस यहाँ भी कट गया और इसके बाद क्या है अड़तालीस है तो यहाँ अड़तालीस कित कट गया लगभग सब चीज़ लिखा गया अब क्या काम करेंगे इसका काउंटिंग करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह है और तेरह यानी कि कुल मिलाकर कितना है सोलह है क्योंकि सात क्या है डबल रिपीट है ठीक है सात क्या है डबल रिपीट है जैसे देखिए दो पाँच सात सात यहाँ भी है और सात यहाँ भी है तो डबल सात हो जाएगा चौदह हो जाएगा ठीक है इसके बाद क्या है आठ है तो आठ क्या है सिंगले है तो सिंगल लिखे हैं आठ यहाँ है और यहाँ दो जगह है तो दो को लिख लिए ठीक है इसके बाद आपको क्या हो जाएगा आठ के बाद दस ठीक है दस दस हो गया चौदह हो गया ठीक है पंद्रह हो गया सत्रह हो गया सत्रह का है दो बार है शायद सत्रह जो है यहाँ भी है और और कहीं देखते हैं हम लोग और कहीं नहीं है, तो कुल मिला के क्या करते हैं हम लोग टोटल क्या गो है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह गो है सोलह गो हमारा पूरा है कि नहीं से देखते सत्रह यहाँ अठारह चौबीस सत्ताईस 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 नहीं अट्ठाईस है अट्ठाईस और ये अड़तालीस सत्ताईस सत्ताईस डबल है क्या भाई देखिए सत्ताईस हाँ डबल नहीं सत्ताईस यहाँ पर है और और कहीं नहीं है ठीक है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह को पूरा है एक और कोई छूट रहा 28 है अट्ठाईस है अट्ठाईस अड़तालीस देखिए दस दस दू गो है दस छूट गया था देखिए तो यहाँ पर हम दस भर देते हैं अब क्या हो गया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह हो गया अब सोलह इसके पहले हमको बढ़ते क्रम में लिख लेना है और एन कितना हो गया सोलह हो गया एन हो गया सोलह तो सोलह को हम लोग क्या करेंगे आधा कर देंगे तो आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा आधा करेंगे तो आठ आ जाएगा तो अठवा पद क्या लिखेंगे आठवा पद और फिर एकरा से ज़्यादा क्यों ये सम संख्या है सोलह क्या है सम संख्या तो इसका माध्य कितना होगा दो होगा तो अठवा पद और नौवा पद का ठीक है नौवा पद का औसत निकालेंगे ठीक है तो अठवाँ पर कौन है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो अठवा पद हो गया दसम दस और नौवा पद कौन हो गया ये चौदह तो दस चौदह और बट्टा में क्या लिखेंगे दो आठवां पद और नौवां पद निकालना है और उसका औसत निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा माध्यक निकल जाएगा यानी हो जाएगा ये चौबीस आ चौबीस के दो से भाग करेंगे तो बारह दूना चौबीस ठीक है तो यहाँ पर एन जब सम संख्या हो ध्यान दीजिएगा एन क्या होगा सम संख्या संख्या होगा तभी आपको ऐसे निकलेगा ठीक है और नहीं विषम आएगा तो फिर विषम के लिए दूसरा आपको क्वेश्चन बनेगा ठीक है चलिए तो उम्मीद है कि आप ये सब चीज सीख रहे हैं अच्छे तरीका से चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है पूरा कोण या कोटि कोटिपूरक कोण आपको निकालना है ठीक है तो देखिए पूरा कोण या कोटि कोटिपूरक कोण जो होता है ना जिसमें दो कोण होगा मान लेते हैं ए है और बी है तो दोनों का कोण का योग नब्बे डिग्री होना चाहिए ठीक है तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ दिख रहा होगा साठ डिग्री है तो इसका पूरा कोण कितना हो जाएगा तीस डिग्री हो जाएगा क्योंकि साठ में तीस जोड़ेंगे तो नब्बे हो जाएगा यहाँ तीस दिया हुआ है तीस का पूरक कोण कितना हो जाएगा साठ साठ में तीस जोड़ेंगे तो नब्बे हो जाएगा यहाँ सत्तर है शात्तर तो सत्तर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बीस डिग्री जोड़ेंगे तो नब्बे हो जाएगा यहाँ बीस है तो बीस में कितना जोड़ेंगे यही बीस में सत्तर जोड़ देंगे सत्तर जोड़ेंगे तो इसका पूरक कोण निकल जाएगा तो पूरक कोण की याद रखिएगा कि दो कोणों का योग जो है ना नब्बे डिग्री होना चाहिए ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट देखिए आप संपूरक कोण आ गया देखिए कोण कौन दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए जैसा कि मान लेते हैं कोण ए है और कोण आपका बी है तो दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री और इसी कोण को पूरक कोण भी कहते हैं तो यहाँ पर 60 है तो इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री अगर 120 दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा साठ डिग्री यहाँ पचास डिग्री दिया हुआ तो इसका हो जाएगा एक सौ तीस डिग्री ठीक है यहाँ एक सौ तीस है तो क्या हो जाएगा इसका इसका संपूरक कौन हो जाएगा पचास डिग्री ठीक है तो ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन है छोटा छोटा क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ लेना है बना लेना है ताकि हम लोग एग्जाम में जब जाए तो एक आध क्वेश्चन भी धरा जाता है तो बहुत है ना भाई जो छूट रहा है से छूट रहा है, से छूट ही जाएगा छोड़ देंगे अगर ऐसे कुछ कुछ देख लेंगे ध्यान में रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं अनजादे से भी मान लक टिक लगाएँगे ना तो अनजाद में भी सही कर सकते हैं दरअसल तो यह क्या है कि हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो एक कोई खास सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और हम लोग को क्या पता था कि भाई ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा बिहार के नियोजित शिक्षक साथियों को है ना तो जब एग्ज़ाम देने का पता नहीं था तो मान लीजिए हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में हमारा अच्छा है हिंदी कुछ कुछ जान रहे हैं सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं कोई भाई तो सोशल साइंस जान रहे हैं कोई अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो अंग्रेजी पर ध्यान है मैथ पर उतना ध्यान था नहीं हमको तो इसलिए हम कहते हैं कि जो जिस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो तो जानते ही होंगे लेकिन अगर हम लोग को एग्ज़ाम देना है तो कोई एक सब्जेक्ट से तो आएगा नहीं सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा जब सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा तो हमको सारे सब्जेक्ट पर अगर सरसरी निगाह भी डाल देते हैं ना तो वहाँ पास मार्क्स तो हम हर हाल में ले ही आएंगे और अच्छा मार्क्स लेके आएंगे अच्छा मार्क्स लेके आएंगे तब जाके हमको अपने ज़िला में पोस्टिंग मिल जाएगा और अपने ज़िला के अपने ब्लॉक में भी हो सकता है बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए थोड़ा सा अगर पहल कर लेते हैं ना तो कोई नहीं रोक सकता है आपको पास होने से सरकार पांच बार मौका दे रहा है पांच बार क्या हम लोग फर्स्ट में पास कर जाएंगे और फर्स्ट में पास करेंगे अच्छे मार्क्स से पास करेंगे ठीक है तो आसानी नहीं चलाने का प्रैक्टिस कर लेंगे ना बस सब धराधर क्वेश्चन बन जाता लेकिन जैसे ही ऑफलाइन बार रहता है, तो मजा आ जाता चलिए अब हम लोग रैखी युग्म कहेंगे देखिए युग्म जो होता है इसका दो का योग को एक सौ अस्सी डिग्री दिया है है ठीक तो अगर जैसे कि मान लेते हैं देखिए एक रेखा जो है एक रेखा ऐसे रहेगा ठीक है तो रेखा ऐसे रहेगा तो इधर का कोण कितना होगा एक सौ अस्सी डिग्री ठीक है और इधर का भी कोण क्या होगा एक सौ अस्सी डिग्री होगा क्योंकि बिंदु जो होता है बिंदु अपने इर्द गिर्द टोटल मिला के तीन डिग्री का कोण लेता है तो इसी को रैखिक युग्म कहते हैं ठीक है और रैखिक युग्म कोण क्या होता है सर देखिए जैसे कि आप यहाँ समझ लीजिए ये रेखा हो गया और एक रेखा ये ले लेते हैं ठीक है और एक रेखा ये हो देखिए यहाँ दो कोण का तो निर्माण हो रहा है दो कोण का निर्माण हो रहा है जैसे अगर मान लेते हैं कि ए है और यहाँ बी है और यहाँ पर सी है तो ये चाहे ओ मान लेते हैं और यहाँ पे बी मान लेते हैं तो एक कौन क्या बन रहा है एक बन रहा है ए ओ बी बन रहा है और एक क्या बन रहा है बी ओ सी बन रहा है बी ओ सी है तो लेकिन ओ बी जो रेखा है इस कोण में भी है और इस कोण में भी है इसलिए इसको रैखिक युग्म कहते हैं तो उसी प्रकार के देखिए डी बी सी है और सी बी ए है दोनों कोण क्या है एक ही मिल रहा है

तो प्रतिच्छेदन बिंदु ई वाला हो गया ठीक है और प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन होगा ए बी होगा और सी डी होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वर ये थोड़ा गलती लिखल है ऊर्ध्वाधर ठीक है समूह कोण देखिए वर्टिकली कोण देखिए देखिए जब भी कोई क्रॉस ऐसे कटेगा तो देखिए इधर का कोण और ई वाला कोण मिला के एक डिग्री होता है उसी प्रकार ई कोण और ई कोण मिला के एक डिग्री होता है ध्यान दीजिएगा इस प्रकार क्वेश्चन अभी जस्ट आएगा तो हम लोग समझ लेंगे ठीक है जैसे देखिए यहाँ साठ डिग्री का कोण दिया हुआ है तो रेखा अपने साथ कितना कोण लेता है एक डिग्री का तो साठ इधर हो गया तो इधर कितना बचेगा एक सौ ही बचेगा साठ है एक जोड़ेंगे तो एक डिग्री हो जाएगा ठीक है तो यहाँ चीज देखिए क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में कौन ए ओ बी तथा तो कौन बी ओ सी एक रेखे बना रहे हैं है? तो ए ओ बी साठ डिग्री दिया ए बी साठ डिग्री दिया हुआ है तो कौन बी ओ सी की माप क्या है तो बी ओ सी यानी कि एक सौ बीस डिग्री हो जाएगा ठीक है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए आ गया क्वेश्चन हमारे पास ठीक है दिए गए चित्र में ए ओ सी देखिए ए ओ सी जो है एक सौ बीस डिग्री है तब कौन बी ओ सी बी ओ डी और ए का मान पूछ रहा है यानी इसका कौन क्या होगा इसका क्या होगा और इसका क्या होगा देखिए तो एक रेखा है रेखा एक तरफ एक 120 का ले रहा है 120 का ले रहा है ना तो इधर जो बच जाएगा ये कोण कितना का बचेगा ये बचेगा क्योंकि एक रेखा अपने तरफ 180 डिग्री का कोण लेता है तो 120 इधर हो गया तो इधर क्या बनेगा 60 डिग्री होगा क्योंकि यह रेखा जो है ऐसे कौन बनाएगा तो एक 180 बनाएगा आ यहाँ एक सौ बीस दिया हुआ तो इधर क्या साठ मतलब बनेगा ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत अब देखिए जब एक अब इस रेखा को देखिएगा तो इधर कितना दिया हुआ एक तरफ का एक सौ बीस तो ये हो जाएगा साठ ठीक है साठ डिग्री और जब साठ डिग्री हो गया तो इधर कितना हो जाएगा एक सौ बीस डिग्री क्योंकि इस रेखा से देखिएगा तो इधर एक सौ बीस डिग्री ठीक है तो इसका मतलब क्या है देखिए आमने सामने का कोण क्या होता है इक्वल होता है जब भी आप क्रॉस करेगा ना तो इधर का कौन इधर के बराबर होगा इधर का कौन इधर बराबर मान लीजिए इधर अल्फा कौन है इधर बीटा कौन है इधर ए कौन है इधर, इधर सी कौन है तो कौन सी बराबर कौन सी बराबर कौन ए होगा और कौन अल्फ़ा बराबर कौन बीटा होगा मतलब इन्हें जितना कौन उन्हें इतना कौन जिन्हें इतना कौन इतना कौन ठीक है यही कॉन्सेप्ट है इसका चलिए अब देखिए आठ का स्क्वायर और दो के पावर आठ में कौन बड़ा है देखिए आठ का स्क्वायर का मतलब है कि आठ को दो बार लिखिए तो अठी अट्ठी चौंसठ गुना कर दीजिए और दो के पावर आठ का मतलब है कि दो के पा आठ बार लिखिए और सबके गुना कर दीजिए ठीक है कई बार हो गया देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ तो दो दूना चार चार दूना आठ आठ दूना सोलह सौ दूना बत्तीस बत्तीस दूना चौंसठ चौंसठ दूना एक सौ अट्ठाईस एक सौ अट्ठाईस दूना दो सौ छप्पन तो इससे पूछ रहा है कौन बड़ा होगा तो ये वाला बड़ा होगा सबसे ज़्यादा यही मार्क्स है ये कम है चलिए क्वेश्चन नंबर बस दो क्वेश्चन और चौबीस है और पच्चीस तीन सौ चालीस सेंटीमीटर और चार मीटर का अनुपात ज्ञात करना है ठीक है तो तीन सौ देखिए सेंटीमीटर में है और मीटर में है तो दोनों को मीटर में बदल लीजिए या सेंटीमीटर में बदल लीजिए ठीक है तो 340 सेंटीमीटर है ठीक है तो इसको भी हम मीटर में बदल देते हैं तो एक मीटर में एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो चार मीटर में 400 सेंटीमीटर हो जाएगा अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए बीस दूना चालीस और सत्रह दूना चौंतीस तो सत्रह अनुपात क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा ठीक है चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें का पच्चीस नंबर क्वेश्चन है तीन किलोग्राम का छः सौ ग्राम से अनुपात ज्ञात करना है तीन सौ कितना है तो हमारे पास ए, तीन किलोग्राम है छः सौ ग्राम है तो ती के को क्या करना पड़ेगा ग्राम में बदलना पड़ेगा या छः सौ ग्राम को के जी में बदलना पड़ेगा तब हमको निकलेगा तो देखिए तो के जी वाला आसान होगा तीन के जी है तो एक के जी में एक हज़ार ग्राम तो तीन के जी में तीन हजार ग्राम तीन से गुना कर देंगे इसका अनुपात ज्ञात करेंगे छः सौ से दो जीरो से दो जीरो खा जाएंगे और छः पचे तीस इधर पाँच बच गया इधर एक बच गया तो पाँच अनुपात क्या होगा एक हो गया तो मित्रों या दोस्तों अभी पच्चीस क्वेश्चन का यह सिर था बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन था और सभी जो है आपको किताब से लिया गया क्वेश्चन है तो और ये सभी एक टाइप है तो मैथ का हो या रीजनिंग का हो या आपका ए, जीएस का पोर्शन का हो सभी का हम वीडियो जो ला रहे हैं है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके तैयारी में एक बहुत रामबाँ सिद्ध होगा क्योंकि हम समझ रहे हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चन आएगा ठीक है और इधर उधर के बहकावे में नहीं पढ़ना है हम लोग को जो पढ़ा रहे हैं जो देख बता रहे हैं आपको उतना ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो पास मार्क्स तो हंड्रेड परसेंट और उससे ज़्यादा मार्क्स हम लोग लाएंगे ठीक है और ला कर दिखा देंगे वो सिलेबस कम्प्लीट हो जाए तो वीडियो क्या करना है कि आप जय बार देखने का मन है तय बार देखिए कम से कम तो तीन बार वीडियो देखिए एक वीडियो को ताकि ध्यान में आपका सारा चीज बैठ जाए और इधर उधर की बात हम नहीं करते हैं केवल सिलेबस में जो चीज़ें हैं वही सिलेबस की बात हम लोग बोर्ड पे कर रहे हैं और हर वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बस चांस को जाने नहीं देना है और फर्स्ट टाइम में ही पास कर जाना है ठीक है तो सभी साथियों को मेरा एक बार पुनः नमस्कार वीडियो को अगर आप जहाँ भी देखते हैं हर एक साथी चार लाख हमारे साथी हैं तो चार लाख नियोजित साथियों के पास इस वीडियो को भेज दीजिए और उनको कहिए कि इस वीडियो से देखने के लिए ताकि लाभ ले सके और यह भी जो है गर्व करे कि एक नियोजित शिक्षक ही इस वीडियो को बना रहा है तो हमें अपनी वीरता पर अपने समाज के लोग हम हैं तो उस पर भी गर्व करना चाहिए हमें तो ये बहुत खुशी की बात होगी ना तो इसे सभी दोस्तों के पास भेज दीजिए और कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सब जो है वीडियो लगातार मिलते रहे ठीक है हर वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो सारा वीडियो मिल जाएगा ठीक है तो बस यही चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद